हेलो दोस्तों, आईपीएल का 39वां मुकाबला कोलकाता और गुजरात के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अपने आखिरी मैच में जीत हासिल की थी। इससे पहले जब इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था तो इसमें रिंकू सिंह ने वो ऐतिहासिक पारी खेली थी और आखिरी ओवर में 5 छक्के लगा करके केकेआर को जीत लाई थी। गुजरात के घाव अभी भरे नहीं होंगे और वो उस हार का बदला जरूर लेना चाहेंगे। अगर हम दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अभी गुजरात 10 अंक के साथ 3रे स्थान पर है, वहीं कोलकाता 6 अंक के साथ 7वें स्थान पर। दोनों टीमों के अगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो गुजरात की बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत दिखाई देती है, जहां शुभमन गिल और साहा बल्लेबाजी करते हैं और अभी तक टीम को अच्छी शुरुआत देते आए हैं। वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो उन्होंने 7 ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं, लेकिन जेसन रॉय के आने से उनको एक स्टेबल ओपनिंग बल्लेबाज मिला है जो उनको अच्छी शुरुआत दे रहा है। इसके बाद गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं, जो कि बल्लेबाजी में अब तक कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए हैं और कल के मैच में अपने बल्लेबाजी से प्रभाव डालना चाहेंगे। वहीं कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर हैं, जो कि तूफानी पारी खेल सकते हैं। गुजरात के लिए उनका मिडिल ऑर्डर सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें मिलर, देवतिया, अभिनव मनोहर और राशिद खान जैसे घातक बल्लेबाज हैं, जो कि जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और लगातार रन भी बना रहे हैं। वहीं कोलकाता के लिए रिंकू सिंह और कप्तान नीतीश राणा को छोड़कर कोई भी ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सका है और कल कोलकाता को उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि रसेल, नारायण और वीजे ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर चले तो अपने दम पर मैच पलट सकते हैं। अगर दोनों टीमों की गेंदबाजी की बात करें तो गुजरात के लिए मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, अल्जारी जोसा, हार्दिक पांड्या, राशिद खान और नूर अहमद लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कोलकाता अपनी गेंदबाजी में ज़्यादातर स्पिन तिगड़ी पर डिपेंडेंट है, जो कि सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और सूर्य शर्मा हैं। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से गुजरात का पलड़ा इस मैच में भारी लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से यह मैच कौन सी टीम जीतेगी।